get the boots. देखिए दोस्तों, कंपनी का नाम है ज़िकाया स्मार्ट डील प्राइवेट लिमिटेड। जितने भी सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स सारे इस नाम से रजिस्टर्ड है, ठीक है। और कंपनी की वेबसाइट है, जो लगता है वो 1500 रुपए से हमारा रजिस्ट्रेशन कंपनी में लगता है, जहां हम कंपनी के एसोसिएट मेंबर कहलाते हैं। वहां हमको 1500 रुपए देना पड़ता है, हमारा रजिस्ट्रेशन लग जाता है, हमको एक यूनिक आईडी और पासवर्ड हमारा जनरेट हो जाता है वेबसाइट में, ठीक है। अब 1500 तो हमने दे दिया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, आईडी पासवर्ड भी जनरेट हो गया। अब इसके एवज में हमको मिलता क्या है, ये भी मायने वाली बात है। तो 1500 के एवज में हमको 1500 रुपए का कंपनी सबसे पहले हर्बल प्रोडक्ट, ये हर्बल प्रोडक्ट दे देती है। आपने 1500 रुपए दिया, 1500 रुपए का हर्बल प्रोडक्ट आपको मिल गया, जो कंपनी के प्रोडक्ट है, इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे अपन। तो ये लायबिलिटी तो आपकी यही खत्म हो जाती है, ठीक है सर। सेकंड मिलता है कंपनी में इसमें 25000 रुपए का फैमिली प्रोटेक्शन, फोटो खींच लेंगे ना, जिस दिन हम कंपनी के एसोसिएट मेंबर होते हैं उसी दिन से हमारा ये फैमिली प्रोटेक्शन वाला स्टार्ट हो जाता है। तीसरा मिलता है इसमें कंपनी में एफिलिएशन इनकम, जिसको कंपनी कहती है जॉब वर्क। लेकिन एफिलिएशन इनकम लेने के लिए कंपनी ने एक छोटी सी शर्त रखी है कि 7 दिन के अंदर आपको एक लेफ्ट और एक राइट ये करना कंपलसरी है, तब जाके आपको ये एफिलिएशन इनकम मिलती है। अगर आप लेफ्ट राइट नहीं करते 7 दिन के अंदर तो ये एफिलिएशन इनकम आपको नहीं मिलती, अगर कर लेते तो एफिलिएशन इनकम स्टार्ट हो जाती है। अब एफिलिएशन इनकम में मिलता क्या है, ये 5 महीने की इनकम मिलती है हमको, सर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले मैंने आता हमको 25 क्लिक, दूसरे मैंने 50, तीसरे मैंने 100, 200 और ये 400 पर क्लिक कंपनी 20 रुपीज देती है। पहले मैंने इनकम होती 500 रुपए, दूसरे मैंने जस्ट डबल, तीसरे मैंने उससे डबल, चौथे मैंने और ये पांचवें मैंने। पहले मैंने 500, दूसरे मैंने 1000, तीसरे मैंने 2000, चौथे मैंने 4000 और पांचवें मैंने 8000। टोटल अगर हम करते हैं इसको तो 15500 रुपए कंपनी हमको दे देती है 5 महीने। ये एफिलिएशन आपको पूरे महीने में, ये क्लिक जो है महीने में किसी भी दिन आपको करना है, ये पूरे महीने भर करना है, ऐसा पर डे वाला कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब 15500 हमारा 5 महीने का बना, क्योंकि पे आउट तो हर महीने आता है, जैसे ही आपका महीना कंप्लीट हुआ, ये पहले महीने 25 क्लिक खुलेगा, ये कंप्लीट हुआ ऑटो विड्रॉल इसका आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेकेंड क्लिक जैसे ही खुलेगा
हर मंथ वैसे उसी टाइप से सिस्टम ऑटो विड्रॉल से चलता रहेगा, लेकिन कंपनी आप कुछ डिटेक्शन करती है जिसमें 20% है आपका एडमिन प्लस सर्विस चार्ज प्लस टीडीएस, जिसमें 10% एडमिन चार्ज कटता है, 5% सर्विस चार्ज और 5% टीडीएस। ये रिफंडेबल नहीं है क्योंकि एडमिन और सर्विस चार्ज ये आपको सर्विस प्रोवाइड करवा देते हैं। ये 5% जो टीडीएस है ये क्वार्टरली आप रिफंडेबल ले सकते हैं, फाइल करके ले सकते। और 20% कटता है कंपनी का प्रोडक्ट वैलिडिटी। ऐसे 40% हमारा डिटेक्ट हो गया, अभी हम मान के चले तो ठीक है ना, 20% इधर इधर हो गया, 20% प्रोडक्ट बने। अब 15,500 हमारा आया, इसमें हम 40% डिटेक्ट हो गया, हमारे अकाउंट में आता कितना एक्चुअल? तो पहले मैंने आएगा 40% करके 300 रुपए, दूसरे मैंने 600 रुपए, तीसरे मैंने 1200 रुपए, 2400 रुपए और ये 4800 रुपए। अगर हम पांचों महीने का कैलकुलेशन करते हैं तो 9300 रुपए होता है, ये हमारे नेट अकाउंट में आता है 9300 रुपए ये अकाउंट सारा काट पीट के, ठीक है। अब हमने आईडी कितनी लगाए थे? सिर्फ 3 आईडी लगाए थे, जिसमें ये आईडी हमारी एप्लीकेशन के लिए एक्टिव हुई, अभी ये आईडी नहीं हुई एक्टिव, इसके नीचे लेफ्ट राइट अभी नहीं डाले। और एक नाम से 3 आईडी आप लगा सकते हैं। अभी तक तो ये नॉन वर्किंग पार्ट है, क्योंकि अगर एक बंदा खुद के ही नाम की अगर 3 आईडी लगा लेता है यानी 4500 रुपए खुद का नॉन वर्किंग के हिसाब से भी कर, 4500 रुपए खुद के भी डाल देता है बंदा, तो ये 4500 का तो उसको प्रोडक्ट मिल जाता है, प्लस एफिलिएशन इनकम उसकी जनरेट होना चालू हो जाती है यहाँ से, उसके नेट अकाउंट में 5 महीने में 9300 रुपए आता है, प्लस जो प्रोडक्ट वैलिडिटी में 20% कटा है, ये भी तो हमारा पैसे ही ना, तो 3100 रुपए ये प्रोडक्ट वैलिडिटी का ये हमें और प्रोडक्ट परचेस करने के लिए मिलता है। तो टोटल मार के 12400 रुपए ये नेट प्रॉफिट होता है हमारा 5 महीने में, ये नॉन वर्किंग है, यानी हमने अपने खुद की 3 आईडी लगा दी और ये अगर हमसे कोई काम भी नहीं हुआ, हमने ध्यान भी नहीं दिए, तब भी इतना आपको कमाना ही कमाना है। अगर हम वर्किंग करते, अब इसके बाद वर्किंग इनकम चालू होती है, 3 इनकम तक समझ में आ गया सभी को? अभी चौथी इनकम है इसकी डायरेक्ट, एक कंपनी देती 10%, मतलब आप आए, आपने जितने भी आपसे रेफरल जो डायरेक्ट पर डायरेक्ट आपको 150 रुपए मिलता है। अगर एक दिन में आप 100 डायरेक्ट भी लगाते हो तो आपका 15,000 रुपए कमीशन, ये नेट पर डे क्लोजिंग कंपनी की और पर डे विड्रॉल ऑप्शन बनता है इसका, तो नेट 15,000 आपको, इसमें कोई डिटेक्शन नहीं है और कोई कैपिंग नहीं है डायरेक्ट। पांचवी इनकम है इसकी बाइनरी इनकम, इसको मैचिंग इनकम भी कहते हैं। ये आप आए, आपने लेफ्ट राइट दो करा, फिर आपके नीचे दो लेफ्ट राइट आए, तो ये आपके मैचिंग होना चालू हो गया, पहले ये एक पेयर मैच हुआ, ये दूसरा पेयर मैच हुआ, ये तीसरा पेयर मैच। पर डे आपकी 20 पेयर से ज्यादा इसकी कैपिंग है 20 पेयर की, यानी 20 पेयर से ज्यादा होंगे तो वो लैप्स हो जाएंगे, पर डे क्लोजिंग है 20 पेयर में आपको एक आईडी में 3,000 रुपए, अगर आपकी आईडी कैपिंग में चलती तो 3,000 रुपए से ज्यादा आप एक आईडी में नहीं कमा सकते। अगर मंथली कैलकुलेशन ले तो 90,000 रुपए महीना होता है, ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अब इसके बाद जो है छठवी इनकम, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, एक बार यहाँ समझ में नहीं आया।
अब जो मेन पार्ट है कंपनी का, जो अभी हम सोच रहे कि 20% क्यों काट रही कंपनी प्रोडक्ट वैलिडिटी में, बैठी सुनते ये अब समझ में आएगा और हमको अब अच्छा लगेगा। 20% 30% काटना चाहिए कंपनी को, क्योंकि अब जो इसके बाद की इनकम है जनरेशन इनकम, छठवीं इनकम जो है जनरेशन इनकम। यहाँ आपने 3 ID लगाया था, एक डायरेक्ट का आपको तुरंत 150 रुपए मिल जाता है, दूसरे डायरेक्ट का 150 मिल जाता है, क्योंकि 10% डायरेक्ट का है और 1:1 की पेयर मैचिंग है, तो यानी यहाँ पे भी आपका 150 रुपए बन जाता है। मतलब सिर्फ आपने 3 ID लगाए थे तो आपके 450 रुपए तो इस ID में बन चुके हैं, बाकी 500 से नीचे विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है इसमें, 500 के ऊपर जाता है तो विड्रॉल का ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है। अब जनरेशन इनकम हमको कहाँ से मिलेगी, क्योंकि रिपर्चेसिंग रहती है जनरेशन इनकम, और यहाँ हमने कोई प्रोडक्ट वाला कोई ऑप्शन ही नहीं कि आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा या परचेस करवाना पड़ेगा, तो ये रिपर्चेस इनकम जनरेट होती है, ठीक है सर। तो यहाँ जो कंपनी का पोर्टल Xikaya स्मार्ट डील, जैसे अभी सारे लोग ही जानते होंगे फ्लिपकार्ट एमेजॉन स्मार्ट सारी चीजें, तो वो जो पोर्टल है उसमें भी हम परचेसिंग अगर करते हैं प्रोडक्ट कोई भी, तो क्या करना पड़ता है उसके लिए, कोई भी प्रोडक्ट में जाना पड़ता है और उसमें फिर एटीएम कार्ड नंबर मांगता है, ठीक है ना, फिर हम एटीएम कार्ड नंबर डालते हैं, हमारे वैलेट से पैसा कटता है, फिर हमको हमारा ऑर्डर बुक होता है और हमारे एड्रेस में आ जाता है। लेकिन इस पोर्टल में जो कंपनी का Xikaya का पोर्टल है, ये आप आए, अब जनरेशन इनकम कैसे जनरेट होगी प्री परचेस में, आपके जो पहले डायरेक्ट है, जितने भी पहले डायरेक्ट है वो आपका पहला लेबल है, ये आपका पहला डायरेक्ट है, ये आपका पहला डायरेक्ट है, अगर और आप इसके नीचे डायरेक्ट मारते तो ये भी आपका पहले डायरेक्ट कहलाता है, तो आपके पहले डायरेक्ट ये फर्स्ट लेवल कहलाता है आपका। अब जैसे आपके पहले डायरेक्ट है तो आपके नीचे वालों के भी पहले पहले डायरेक्ट होंगे, ठीक है ना, आपके नीचे वालों के भी नीचे वालों के पहले पहले डायरेक्ट होंगे, तो आपका जो पहला डायरेक्ट आपका फर्स्ट लेवल हो गया, दूसरे डायरेक्ट आपका सेकंड लेवल हो गया, ऐसा 12 लेवल तक कंपनी 12% तक की इसमें रिपर्चेसिंग इनकम देती है, प्लस इसमें मैचिंग इनकम भी देती है, वो है 10% की। अब मैचिंग इनकम कैसे देगी, ये जो आपके रिपर्चेसिंग होंगे, अब इसमें आपका अगर इस लेग में 5 लाख का रिपर्चेसिंग हुआ, इसमें 2 लाख का हुआ, इसमें 1 लाख का हुआ, क्योंकि हर लेग में बराबर हो ही नहीं सकता, सब कम ज्यादा ही होती है, इसमें 50,000 का हुआ, तो पहले 5 लाख से 2 लाख मैच होगी, उसका 10% जो भी आपको कैलकुलेट होके यहाँ पे अमाउंट जनरेट हो जाएगा, फिर ये कैरी फॉरवर्ड होके 2 लाख से 1 लाख मैच करेगा, फिर ये आपकी इनकम आ गई, फिर 1 लाख से 50,000 मैच करेगा कैरी फॉरवर्ड होके, तो ये आपकी ये मैचिंग इनकम आ गई। अब रीपर्चेसिंग होगी कैसे, ये मेन वाली बात है, तो आपका जो ये वैलिड है, अभी हम अमेजोन से खरीदते थे तो एटीएम का कार्ड नंबर डालते थे वहां से पैसा कटता था, आप Xikaya के पोर्टल से सपोज मान के चलो 3,000 का मोबाइल स्मार्टफोन आप ले रहे हो, तो यहां से आप मोबाइल फोन ऑर्डर करोगे, आपकी आईडी से जो प्रोडक्ट वैलिड में पैसा है ये कटेगा, अब ये बंदा जो है ये आईडी वाला, ये बंदा ये वाला, अब ये बंदे ने यहां से प्रोडक्ट परचेस किया अपने वैलेट से, ठीक है, इस बंदे ने, अब इस बंदे की रिपर्चेसिंग इनकम आपको मिलेगी, मतलब महीने की कैपिंग है इसकी 25 लाख रुपए की, यानी इसमें भी कैपिंग है और ये मंथली जनरेट होगा, ये जनरेशन तो 25 लाख रुपए से ज्यादा, अगर 26 लाख भी अगर आपका बनता है तो 25 लाख रुपए आपका ज्यादा मिलेगा, उससे ज्यादा आपका नहीं मिलेगा।
पर ये छोटा सा प्लान है, अगर और कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। सर इसको नोट कर लीजिए थोड़ा। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम आरिफ खान है, बालाघाट से मैं बिलोंग करता हूँ और जिकाया अस्मार्टिल प्राइवेट लिमिटेड में 9 सितंबर 2016 से वर्क कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ इन 4-5 महीनों में मैंने इस बिजनेस से काफी कुछ अचीवमेंट भी किए हैं और काफी कुछ मेरी लाइफ में बदला भी है, जो मैं आपको आगे आगे बताता चलूंगा। जी जी। इससे पहले हम कहीं और चर्चा करते हुए, उससे पहले हम सबसे पहले प्रोडक्ट की जानकारी ले लें कि कंपनी जो हमको ज्वाइनिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है वो प्रोडक्ट एक्चुअल है क्या, उन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, वो प्रोडक्ट किस किस यूज में आते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो कंपनी है, मैं आपको बता दूं कि कंपनी आपको ज्वाइनिंग प्रोडक्ट के रूप में करीब करीब 14 प्रकार के हर्बल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, जो आपकी आप जो पैसा दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पर कंपनी को, उस कंपनी उस रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देती है। मतलब ये कह सकते हैं कि आपने जो पैसे दिया, कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दिया, कंपनी और आपकी जो लायबिलिटी थी वो खत्म हो गई। एग्जैक्टली कि हम कल को ये ना कह सके कि भाई हमने जो पैसे दिया था वो कंपनी ने हमको उसका एवज में कुछ चीजें ना दी, इसलिए कंपनी आपको हर्बल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देती है। और ये जो प्रोडक्ट है इसके सबसे अच्छी खासियत ये है कि 130 वर्ष के आचार्य है देवकुंड में, उत्तराखंड में, जो कि अभी भी जिंदा है। और उनके जो फॉर्मूले हैं, जो कंपनी के MD हैं मिस्टर अजय चौहान जी, वो उनके मतलब शिष्य वगैरह हैं, तो उनके जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले इस ये कंपनी अपने प्रोडक्ट पे इस्तेमाल कर रही करके जाता है। ये ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है, मैं किसी कंपनी का नाम लूंगा नहीं, 10 कंपनी की बस इतना कहूंगा कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में है आज की तारीख में, वो चाहे हमारे बीमारियों से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में है, उनसे आपको 10% एक्स्ट्रा इफेक्टिव प्रोडक्ट जिकाया स्मार्टल प्राइवेट लिमिटेड में मिलेंगे। और उसमें सबसे पहले प्रोडक्ट है एंटीप्रॉक्स टॉनिक। ये टॉनिक हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, जो टॉक्सिन्स की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है उसको घटाता है। जैसे कि टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ने से हमारे सॉक्स वगैरह स्मेल करने लगते हैं, हमारे पसीना बदबू करने लगता है, हमारे माउथ से स्मेल्स आने लगती हैं, वो सारी चीजों को ये खत्म करता है। और इसका प्रमाण आपको हमारे काजल सर बता सकते हैं, वो यूज कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, ठीक है, काफी दिनों से यूज कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इस प्रोडक्ट की खासियत ये है कि इस प्रोडक्ट को हम पूरा परिवार ले सकता है, 10-10 ml आप छोटे बच्चों को भी पिला सकते हैं, घर के बुजुर्ग को भी पिला सकते हैं, ओवरऑल किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट इस प्रोडक्ट का नहीं है। दूसरे प्रोडक्ट की बात करूं सर, तो ये प्रोडक्ट है एंजोसॉल। ये प्रोडक्ट आपको यूज होता है हार्ट के लिए, आप जिस किसी की भी हार्ट की प्रॉब्लम्स में कोई अगर गठित है तो उस व्यक्ति को आप ये कैप्सूल डेली सुबह शाम एक एक खिलाइए, तो अपना खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लिजवाइए या जूस के साथ पिलाइए, ये बहुत इफेक्टिव है। विदिन 3 मंथ के अंदर उस व्यक्ति को उसके हार्ट से रिलेटेड, अभी वो अपना हार्ट चेक करा ले जितना भी प्रकार का डैमेज है, और आफ्टर 3 मंथ बाद वो फिर से अपना हार्ट चेक कराए, रिजल्ट आपके सामने होगा कि इस कैप्सूल को खाने के बाद उस व्यक्ति में कितने इंप्रूवमेंट्स हुए उसके हार्ट। इसके अलावा ये एक रोमाटिक कैप्सूल है जो ज्वाइंट पेन के लिए वर्क करती है। हमारे शरीर का किसी भी प्रकार का पेन हो, चाहे बैक पेन हो, ज्वाइंट पेन हो, या किसी भी प्रकार का पेन, उसको अगर आप इस कैप्सूल को भी, कैप्सूल फॉर्म में है, कैप्सूल को आप डेली सुबह एक कैप्सूल डेली खाइए, अगर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो एक सुबह और एक शाम कंटिन्यू रखिए, आपको विदिन 1 वीक के अंदर आपको रिजल्ट्स दिखना आ जाएगा। बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है ये, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी अगर हमारे ग्रुप की बात करूं मैं, हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा किसी ने अगर कोई प्रोडक्ट यूज किया तो वो है रोमाटिक कैप्सूल। और ये रोमाटिक कैप्सूल ही मैं खुद खाता हूँ, परवेज जी ले रहे हैं, शकील भाई ले रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट इतना इफेक्टिव है क्योंकि रिजल्ट हम लोग खुद देख रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के पास एक प्रोडक्ट है हेपाहर। ये प्रोडक्ट काम आता है लीवर डैमेज के, जो कई घरों की समस्या है कि जहां पे कोई ज्यादा ड्रिंकर घर में रहते हैं तो ड्रिंक करने की वजह से लीवर कमजोर हो गया, या कई लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे ड्रिंक नहीं करते फिर भी उनके लीवर कमजोर है,
कई घरों में बच्चों के लीवर कमजोर हो जाते हैं, डॉक्टर कहता है लीवर कमजोर है बच्चे का। तो ये आपको 3 महीने लेना है, 3 महीने का अगर आप इसको कंटिन्यू लेते हैं तो आपका लीवर भी दुरुस्त हो जाएगा। इसके अलावा डबल स्टेम सेल के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, डबल स्टेम सेल किस लिए, ये तो करीब करीब 35 बीमारियों का निराकरण करने की ताकत रखता है। ठीक है, हमारे पास डबल स्टेम सेल भी उपलब्ध है। इसके अलावा एक रोमाटी ऑयल, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम हो, वात की शिकायत हो, जो लोग हर घर में बुजुर्ग जो दंपत्ति अगर किसी के घर में है तो हर व्यक्ति परेशान है साइटिका या वात से, उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें सुबह शाम इसकी हल्के हाथ से मालिश करनी है घुटनों की, वो भी 3 महीना रेगुलर अगर इसका कोर्स कंप्लीट करते हैं, 3 महीने इस ऑयल को लगाते हैं, उनके साइटिका का 80% साइटिके की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं बुरा तो नहीं कहूंगा कि 100% खत्म हो जाएगा, बट 80% तक उनको रिलीफ मिल सकता है, और वो भविष्य में अगर कंटिन्यू रखें तो हो सकता है इंशाल्लाह वो सारी चीजें भी 100% में तब्दील हो जाए। इसके अलावा ये हनीमून ऑयल है कंपनी का, जो जिन लोगों की लाइफ में सेक्सुअल प्रॉब्लम से घटित है, लोग सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है सेक्सुअल लाइफ में, उन लोगों के लिए है, पुरुषों के लिए स्पेशली है, वो अगर इसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी मालिश करते हैं तो उनके रिजल्ट दुरुस्त हो जाएंगे। इसके अलावा कंपनी के पास और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, दिखाइए मोबाइल, वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हो पाए इसलिए मैं आपको उसकी पिक्स दिखा देता हूं। मैंने कहा था 14 प्रकार के प्रोडक्ट है, दिख रहा है ना, ये अल्ट्रोना करके प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट भी बहुत इफेक्टिव है अगर हम यूज करते हैं। ये प्रोडक्ट यूज होता है साहब जिनके चेहरे में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, है ना, बहुत कम लोग मतलब बहुत कम उम्र में भी झुर्रियां पड़ने लगती हैं आजकल, तो क्योंकि हम लोग खाई गलत रहे चीजें जो मार्केट से मिलती हैं, ये उस चीजों को ठीक करता है, झुर्रियों को ठीक करना, इस तरीके के सुखड़ापन। रोमाटी ऑयल जैसे मैंने आपको बताया, एंटी प्रोस्टोनिक, रोमाटी कैप्सूल, पंच तुलसी भी हमारे पास उपलब्ध है, पंच तुलसी भी हम आपके ज्वाइनिंग प्रोडक्ट में मंगवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी अपने हिसाब से प्रोडक्ट भेजेगी, आपकी जरूरतों के हिसाब से ही आपको प्रोडक्ट दिए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे यार ज्वाइंट पेन की शिकायत है, तो आपने जो पैसा दिया है कंपनी को ज्वाइनिंग में अमाउंट के रूप में, वो अमाउंट का आपको वो कंपनी ज्वाइंट पेन से रिलेटेड प्रोडक्ट भेज देगी, वो भी आपके एड्रेस पे भेज देगी। अभी तक ये होता था कि पर्टिकुलर एक जगह पे, अब आपको कुछ नहीं करना, सिस्टम इतना दुरुस्त हो गया है कि आपकी जैसी आईडी लगती है आप तुरंत कंपनी को एक मेल करिए, अपना पूरा फुल एड्रेस फिल कर दीजिए, विद इन 7 डेज जो वर्किंग डेज होते हैं उन 7 डेज के अंदर प्रोडक्ट आपके घर पे डायरेक्ट डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है सर, ये ब्रेस्ट ऑयल है, जिन महिलाओं को मतलब देखते हैं ढीलापन आ जाता है ब्रेस्ट में, उन महिलाओं के लिए बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है, अगर वो कंटिन्यू मालिश करती है तो वही सुडोल रूप सारी चीजें उन लोगों को मिल जाती हैं। ये लोस्टॉप है, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम से ग्रसित है पति पत्नी दोनों, उन दोनों अगर ये प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो जो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन एक दूसरे को वो लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, वो चीजें उनके जीवन में मिलने लगेगी और वो दोनों का जीवन जो है सुखमय तरीके से आगे बढ़ सकता है। ये प्रोडक्ट भी बहुत इफेक्टिव है। ये प्रोडक्ट है, ये भी हार्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, हार्ट के लिए है, अगर इस प्रोडक्ट को भी लेंगे तो हार्ट हमारा दुरुस्त होगा अच्छे से। ये एक हेयर ऑयल है, हेयर रोज करके ऑयल है, ये जो बच्चों को रूसी डेंड्रफ्स वगैरह हो जाते हैं उसको अगर एक इस ऑयल को तुरंत, अगर जैसे आज हम खोपरा तेल यूज करते ही घर में है ना, या कोई अलग अलग तेल यूज करते हैं सुबह नहाते वक्त, नहाते नहाने के बाद इस तेल को लगाएंगे सर, तो वो डेंड्रफ रूसी वगैरह सारी चीजें मिट जाएंगी। एंजोसोल के बारे में बता दिया मैंने आपको, ये मेंसल करके भी प्रोडक्ट है, ये लेडीज को मतलब चेहरे पे ग्लो वगैरह के लिए है कि वो ग्लो वापस ला सकते हैं अपना। ये डायमेट कैप्सूल है, ये शुगर से रिलेटेड जितने भी पेशेंट हैं शुगर के, अगर वो 3 महीने कैप्सूल को कंटिन्यू लेते हैं 3 महीना, तो उनका शुगर जो है वो बहुत ज्यादा कम लेवल पे आ जाता है, मतलब बराबर लेवल पे आ सकता है शुगर, शुगर के लिए भी अच्छा प्रोडक्ट है ये। ये लुरिक से करके प्रोडक्ट है, जिन लेडीज़ों को क्या बोलते हैं व्हाइट पानी सफेद पानी की शिकायत हो,
है ना, महामारी की शिकायत होगी, मंथली रेगुलर नहीं आती जिनको, वो लेडीज अगर इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू लेती हैं तो उनके सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फिनिश हो जाती है। ये एंजोफिट करके कैप्सूल है, इस कैप्सूल को भी लेना सुबह शाम एक ही है। ये कैप्सूल आपके वेट लॉस करता है, अगर सपोज हमारा वेट बहुत ज्यादा है हमको लॉस करना है तो इस कैप्सूल को कंटिन्यू अगर हम खाते हैं तो ये कैप्सूल आपको विद इन 3 मंथ अगर आप इसको यूज करते हैं तो मैं समझता हूँ 10 से 15 किलो वेट आपका कम हो जाएगा। थोड़ा सा हमको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी उसके लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैप्सूल खा लिए और हम कंटिन्यू आराम कर रहे हैं तो हमारा वेट लॉस हो जाए। इस कैप्सूल खाएंगे थोड़ा सा अगर हम व्यायाम करते हैं तो आपका वेट जो है वो 10 से 15 किलो तक लॉस हो सकता है। ये माइग्रो करके जो प्रोडक्ट है, माइग्रेन की शिकायत बहुत ज्यादा लोगों को देखी जाती है, सरदर्द की शिकायत हर घर में होती है, पर जिनको डॉक्टर ने डिक्लेयर कर चुका है कि उनको माइग्रेन की शिकायत है, वो डिक्लेरेशन वाले जो बंदे हैं जो पेशेंट्स हैं उनको अगर हम ये माइग्रेन का जो पेन होता है वो नॉर्मली देखा जाता है कि वो सुबह 5 बजे के आसपास होता है, जब सूरज चढ़ता है निकलता है उस समय उन लोगों को माइग्रेन का दर्द निकलना शुरू होता है। उस समय दोनों नोज पे 2-2 बूंद इन्हें डालनी है और उसके 1 से 1.5 घंटे तक किसी प्रकार का कोई चीज ना खाना है ना पीना है, ना पानी भी नहीं पीना है। तो 1-1.5 घंटे के अंदर में क्या होता है, जितना भी गंदगी भरी पड़ी है हमारे, जिस वजह से जो मतलब कहना चाहिए कफ वगैरह है या और भी जो गंदगी है, वो सारी गंदगी लार के रूप में या कफ के रूप में हमारे शरीर से बाहर होना स्टार्ट हो जाती है इस देने के बाद, तो आपको कम से कम 180 दिन तक का रिलीफ आपको वो 2 बूंद दे देती है। सिर्फ 2 बूंद अगर 2-2 बूंद नोज में हम डालते हैं माइग्रेन की शिकायत वाले, बस ये 14 प्रकार के प्रोडक्ट है सर। इसके अलावा कंपनी के पास मैं आपको बता दूं कि जो डी परचेसिंग वाले प्रोटोकॉल है कंपनी का जिकाया स्मार्ट ड्रिल, उसमें आपको 21 प्रकार की कंपनी के खुद के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, जिसमें आप हेडफोन से लेकर मोबाइल फोन टैब खुद का स्मार्ट टीवी एलईडी टीवी है ना होम थिएटर, ये सारी चीजें आप कंपनी के जो प्रोटोकॉल है वहां से आप खरीदी कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में आरओ प्यूरीफायर सिस्टम खुद का है, हम वो भी अपनी आईडी से रिपर्चेस कर सकते हैं। इसके अलावा डेली नीड्स के सामान जितने भी हैं, हम जो भी चीज खाते हैं वो चाहे पार्ले जी का बिस्कुट हो या फिर राइस हो, माधुरी का तेल हो, एनीबडी कुछ भी, वो सारी की सारी चीजें आप अपने शॉपिंग पोर्टल से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हम लोग आज जैसे हमको रिजर्वेशन कराना है तो हमको हमें जाना पड़ेगा स्टेशन में जाना पड़ेगा या फिर किसी नेट कैफे में जाकर हमें उनसे रिजर्वेशन कराना पड़ेगा जिसने उसकी IRTC की अथॉरिटी ले रखी है। आप भी अपनी जिकाया की आईडी से रेलवे का रिजर्वेशन बुक करा सकते हैं, 16 मार्च के बाद सारी फैसिलिटीज आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा आप एयर टिकट बुक करा सकते हैं, हॉलीडे पैकेज बुक करा सकते हैं, होटल की बुकिंग करा सकते हैं, ये सारी चीजें आपको जो मार्केट रेट होगा, सपोज दैट मान लेते हैं आपको मल्लिकार्जुन होटल में रुकना है, बालाघाट की मल्लिकार्जुन होटल में रुकना है, उसका जो भी रेट चल रहा हो टैरिफ उसका 1500 रुपए, अमेज़न में वो दिखा रहा है आपको 1300 रुपए में मिल जाए, पर आप जिकाया के थ्रू मतलब सॉरी गो आईबीबो में दिखा रहा है कि वो 1300 रुपए में आपको अवेलेबल हो रहा है, पर आप जिकाया के थ्रू गो आईबीबो में जाएंगे तो आपको वहां पे 10% 5% या जो भी उस दिन का जो डिस्काउंट लेवल होगा उसका, उस डिस्काउंट रेट को काट के आपको होटल्स मिल जाएगा। सपोज गो आईबीबो 1300 रुपए में बुक कर रहा है, आप जिकाया के थ्रू जाके बुक कराएंगे तो हो सकता है वो आपको 1150 में पड़ जाए या 1200 में पड़े, ये चीजें भी है। इसके अलावा आप अपने मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली बिल रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली बिल पटा सकते हैं, नल बिल पटा सकते हैं, ओवरऑल जितने भी सारे काम जिसके लिए हमें जगह जगह जाना पड़ता है वो सारे काम आपको एक ही कंपनी के अंदर एक ही पोर्टल और वो भी आपकी आईडी के अंदर, उसके लिए आपको अपने सीनियर को बोलने की आवश्यकता नहीं है कि अपने सीनियर सर हमारा पटाओ, आप अपनी आईडी खोलिए डायरेक्ट कंपनी के पोर्टल में जाइए आपको सारी चीजें मिल जाएगी, बस सत्य है आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए वैलेट में, आपके जो वैलेट होगा प्रोडक्ट वैलेट उस वैलेट में पेमेंट फंड होना चाहिए, जिससे आप अगर आपके वैलेट में फंड नहीं है, सपोज दैट कि आपके वैलेट में फंड नहीं है, आपने जो फंड था वो यूज कर चुका, अब आपको फंड चाहिए कंपनी से, तो हमारी कंपनी ने स्मार्ट कार्ड भी लॉन्च करने जा रही है, स्मार्ट कार्ड आपको दे दिया जाएगा। उस स्मार्ट कार्ड में कंपनी क्या करेगी, जो कंपनी के बड़े बड़े मॉल्स हैं उस मॉल से आप बड़े बड़े मॉल्स में जाके शॉपिंग कर सकते हैं स्मार्ट कार्ड से,
अब वो स्मार्ट कार्ड में आपको क्या होगा कि सपोज मान लेते हैं आपने 10,000 रुपए कंपनी के अकाउंट में जमा कराया कि सर ये 10,000 रुपए आपको हमारे शॉपिंग वैलेट में डालने हैं या प्रोडक्ट वैलेट में डालने हैं, तो कंपनी क्या करेगी सर 10,000 रुपए नहीं डालेगी, आपका बैलेंस आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा 20,000 रुपए। तो ये अच्छी बात है कि सर बुरी बात है, आपने दिया 10,000 रुपए और कंपनी ने आपको 20,000 रुपए का प्रोडक्ट वैलेट या फंड आपके वैलेट में डाल दिया, जिस वैलेट को आप 2,000 रुपए करके 10 महीने तक यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपके जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे डबल रूप में आपको मिल जा रहे हैं और आप भविष्य में उसकी खरीदारी कर सकते हैं इजीली। तो ये चीज भी हमारी कंपनी ने स्टार्ट किया, 16 मार्च के बाद आपको सारी चीजें आपकी आपकी आईडी के अंदर भी दिखने लगेगी। जैसे परवेश जी ने बताया आपको कि www.xikayagroup.com अभी हमारी वेबसाइट है जिसमें हमारी आईडी लॉगिन पासवर्ड होता है, हमारा सारा का सारा जो भी सिस्टम है वो xikayagroup.com से चल रहा है। उसी तरह कंपनी की एक और वेबसाइट है, उसका नाम है www.xikayasmartdeal.com, जहां पर आपको जो भी खरीदी करनी है जो भी चीज करनी है सेम आईडी नंबर सेम पासवर्ड सारी चीजें सेम रहेगी। जिस तरह आप xikaya में इंटर करते हैं group.com में, उसी तरह आपको xikayasmartdeal में इंटर करना है और वहां से आप सारी चीजें खरीदी कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं आपके वैलेट में यहाँ पर 3,500 रुपए पड़ा है, आपने xikayasmartdeal.com में जाके अपनी वेबसाइट ओपन करी, वहां पर भी आपने जब अपनी आईडी ओपन करोगे तो 3,500 रुपए का फंड जो है वो आपको सामने ही एक बॉक्स में दिख जाएगा कि योर बैलेंस इज 3,500, वो आपके वैलेट में दिख जाएगा जिससे आप खरीदी कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और बता दूं मैं, हमारी कंपनी की खासियत ये है कि यहाँ आपको कंपनी ने बाउंडेशन करके नहीं रखा हुआ है कि भाई आपको खरीदी करना है तो जरूरी नहीं है कि आपको xikaya के ब्रांड वाले प्रोडक्ट खरीदना है या xikaya के जो टाइप प्रोडक्ट है वो खरीदना है। अगर आपको भाई चाहिए माधुरी का तेल एग्जांपल के तौर पे, तो माधुरी का तेल खरीदना है आपको तो xikaya माधुरी तो लिख नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है सर, राइट। अगर वो उनसे टाई अप करा है उस लेवल बड़े लेवल पे तो वो माधुरी के ऊपर भी xikaya लिखा आ जाएगा, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, खुद की ब्रांडिंग कर सकते हैं। पर कंपनी ये कहती है कि अगर आपको जरूरी नहीं है, आपने अमेज़न पे माइक्रोमैक्स का फोन पसंद कर लिया या सैमसंग का मोबाइल आपको पसंद आता है, आपको सैमसंग का मोबाइल परचेस करना है, तो भी आप xikaya के थ्रू वहां जाकर सैमसंग का मोबाइल परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं कि आपको xikaya के प्रोडक्ट ही खरीदना पड़ेगा, आपका पैसा आप अपने पैसों का जिस तरीके से उपयोग करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है सर। आगे सर समझ में और जी सर, तीन आईडी अपनी जी सर, नीचे की आईडी से ई वॉलेट में पैसा चले जाएगा? नहीं सर नहीं पैसा नहीं कर सकते, नहीं नहीं यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का फंड एक आईडी से किसी और आईडी पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। और पैसा कैसे मिलेगा अपने को? कौन सा सर? डेली डेली वाला, डेली जो आपका बाइनरी का पेमेंट, बाइनरी आपका विड्रॉल पार्टी डेली आपके अकाउंट में आ जाएगा सर। नहीं विड्रॉल मानना पड़ेगा फिर ऑटोमेटिक चले जाएगा कुछ? नहीं सर, देखिए आपका जो एफिलिएशन इनकम है, एफिलिएशन इनकम आपको ऑटोमेटिकली आएगी मंथली। अच्छा, सपोज मान लेते हैं आज तारीख कितनी सर? 28 तारीख है 28/2/2017 आज की डेट होगी। आपकी आज ज्वाइनिंग लगी, आज आपका आपने 25 एफिलिएशन का आपका मंथ का वो ओपन हो गया, उसकी डेट है 28/2/2017 से लेकर 28/3/2017 तक आपको ये कंप्लीट करना है विद इन 30 डेज के अंदर। आपने कंप्लीट किया सर, अब 28/3/2017 आते तक वो आपका पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आएगा। हाँ, पर जैसे ही आपका 28 तारीख को कंप्लीट होता है, 28/3/2017 को आपका ये विंडो क्लोज हो जाता है, ये विंडो क्लोज हो जाएगा, नेक्स्ट विंडो आपका ओपन हो जाएगा। ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ और आपके अकाउंट में उधर से पैसा ट्रांसफर हुआ, राइट सर, समझ में आ गया? ये ऑटो विड्रॉल है। मिनिमम विड्रॉल अमाउंट कितना है उसमें? 500 रुपीज का मिनिमम विड्रॉल अमाउंट है, वो आपकी वर्किंग का। हाँ, ठीक है, आप वर्किंग का डेली क्लोजिंग है सर। हाँ, आप आपने सपोज आज आपका 1,000 रुपए बना, 1,000 रुपए की बैनरी बनी, आप तुरंत आज विड्रॉल मारिए, उसके लिए आपको विड्रॉल भरना पड़ेगा। विड्रॉल मारते हैं आप, विड्रॉल मारिए, नेक्स्ट डे वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। मैं आपको बता दूं जैसे मैं सुबह उठता हूँ ना तो मेरे मोबाइल में करीब मेरे पेमेंट आया हुआ रहता है, इतना फास्ट सर्विस हो गया है। अभी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी बीच में, क्योंकि क्या हो रहा था कि जो कंपनी का कॉर्पोरेट अकाउंट था वो अकाउंट ओपन नहीं हो पा रहा था, पर वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे जब कंपनी ने प्रस्तुत कर दिए तो हो भी गए। तो अब क्या हुआ है सर कि अब सीएमएस करके एक सुविधा देता है बैंक, जिसके थ्रू आप एक दिन में 10,000 लोगों को भी इकट्ठे, उसके लिए आपको ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती अकाउंट। अभी क्या होता था सर कि कंपनी अब एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों को ही
पेमेंट भेज पा रहा था। अब ये हो गया कि इकट्ठे 10,000 लोगों को भी कंपनी पेमेंट एक साथ भेज देता है। क्यों? क्योंकि उसे अब ऐड नहीं करना, उसे सिर्फ एक्सेल शीट पे डायरेक्ट कंपनी बैंक को मेल कर देना, बैंक तुरंत सबका फंड भिजवा देगी, उसके लिए ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती। तो पेमेंट से रिलेटेड जो समस्या थी वो भी खत्म हो गई सर, बीच में थोड़ी बहुत आ रही थी अब वो भी फिनिश हो गई। अब फुल्ली तरीके से डेली का डेली बाइनरी, आज क्लोजिंग होगी तो कल आपके अकाउंट में फंड आ गया, जो एफिलिएशन इनकम है वो मंथली आपके अकाउंट में आ ही रही है। अभी सर लगभग लगभग आप लोगों को कितने दिन हो गए सर? कोरे जी आपको कितने दिन की एफिलिएशन इनकम आ गई? चार मंथ की एफिलिएशन आ गई। इसी तरह सर कंटिन्यूटी में काम चल रहा है बढ़िया। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, कंपनी जो है हल्द्वानी में उसका हेड ऑफिस है, जो लोगों को पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि कंपनी का हेड ऑफिस हल्द्वानी के अंदर में है, हल्द्वानी उत्तराखंड, नैनीताल से 30 किलोमीटर पहले एक टाउन है बहुत बढ़िया सा, वहां पर कंपनी का हेड ऑफिस है। कंपनी के जो CMD है उनका नाम है मिस्टर अंकित गुप्ता, काशीपुर से बिलोंग करते हैं, और जो कंपनी के MD है मिस्टर अजय चौहान वो रुद्रपुर से बिलोंग करते हैं। और अभी बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट मंथ एक बहुत बढ़िया सेमिनार बालाघाट में कराने जा रहे हैं, ग्रैंड सेमिनार, जिसमें सारे जो जितने भी अचीवर्स होंगे अब तक जिन्होंने जो जो अचीव किया उन लोगों का भी वहाँ पे सेलिब्रेशन होगा। उसके साथ साथ उस दिन MD और CMD दोनों सर बालाघाट में उपस्थित होंगे रहेंगे, आप लोग उनसे मुलाकात करने का आपको भी सौभाग्य मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए सर तो कंपनी का काम बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छे तरीके से कंपनी रन कर रही है। और बाकी कुछ अगर आपको और भी कुछ देखना है, हेड ऑफिस देखना है, तो YouTube में आप जाइए, है ना। आज की तारीख में हम लोग सभी लोग सर, क्योंकि इतना हाईटेक जमाना हो गया है, तो अब YouTube में जाइए, YouTube में xikayasmartdeal.com लिखिए, xikaya smart deal private limited लिखिए, कंपनी से रिलेटेड सारे वीडियोस, कंपनी के हेड ऑफिस का, कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंपनी का बिजनेस प्लान, सारी चीजें आपको यूट्यूब में दिख जाएगी, राइट सर। और एनी क्वेश्चन सर, और कुछ डाउट हो सर तो पूछ सकते हैं घर पे। ठीक है सर, क्योंकि सर डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत में अगर बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग में नो डाउट आने वाले समय में 1 से 1.5 साल के अंदर में Xikaya एक बहुत बड़ा ब्रांड के रूप में उभर के आगे सामने आ जाएगा, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है सर, जस्ट स्टार्ट हुआ है। कंपनी 18 जनवरी को लॉन्च हुई है, प्री लॉन्चिंग कंपनी की 1 जुलाई 2016 से कंपनी रन कर रही थी, बट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल कंप्लीट नहीं होने की वजह से कंपनी अपने आप को लॉन्च नहीं कर रही थी। पर अब कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स लॉन्च, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, सारी चीजें हो गई हैं, तो कंपनी ने अपने को लॉन्च किया कब, 18 जनवरी 2017 को। तो धीरे धीरे सर सारी चीजें कंपनी के पास सब कुछ ओके हो गया है। अभी आप देखेंगे 12 मार्च को कंपनी का जो पहला शॉपिंग मॉल है वो देवकुंड में खुल गया है, रुद्रपुर उत्तराखंड में, ठीक है, पहला मॉल वहां ओपन होने जा रहा है। दूसरा मॉल खुलेगा सर बिजनौर में, बिजनौर बोले तो राजस्थान। उसके बाद 4 मॉल ओपन होने जा रहे हैं सर मुंबई के अंदर में, जहां पर VT थाने अपना मलाड और एक क्या था कल्याण शायद, इन 4 जगहों पर शॉपिंग मॉल कंपनी के ओपन होंगे, ठीक है सर। इसके अलावा जो कंपनी के खुद का जो प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो इलाहाबाद के अंदर में है, आप जब चाहे जिस दिन चाहे विजिट कर सकते हैं, सारी चीजें पारदर्शिता के साथ में आपके सामने रखी हुई है, ठीक है सर। थैंक यू सर। आप इनकम के बारे में बताएंगे, बोले थे मैं अपनी इनकम के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, कि कैसी कितने पर बताएंगे सर? मेरी इनकम सर, सर देखिए सर ऐसा है कि 3 महीने में सर जी, 9 सितंबर 2016 को मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया जी, और लगभग लगभग सितंबर अक्टूबर निकल गया मैंने काम नहीं किया। फिर 15 नवंबर को हम लोग गए भीमताल में, लीडरशिप ट्रेनिंग हुई कंपनी की, उस लीडरशिप ट्रेनिंग से मैं लौटा, मैं था, परवेज जी थे, कांति सर थे, सारे लोग लौटे। उसके बाद सर December 31st तक कंपनी का एक बोनांजा निकला हुआ, तो सर 1.5 महीने के अंतराल में मैंने सर इस बिजनेस से कार अचीव की, राइट सर, करीब करीब 800 पेयर पे थी वो कार, तो 1.5 महीने में सर वो कार अचीव किया। और ये सर मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी की पहली कंपनी है जिस कंपनी में मैंने हंसी मजाक से काम स्टार्ट किया था, और आज एकदम सीरियसली इस बिजनेस को मैं आगे कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है हमारे, हम लोग सर इस इंडस्ट्री में बने हुए हैं, तो लोग क्या करते हैं, कई सारे फोन हमको आते हैं, कई हमारे मित्र ऐसे हैं बाहर जो हमको फोन करके ये कहते थे अरे यार सर ये प्लान आया है, मानेश्वर जी बड़ा अच्छे से वाकिफ होंगे इस चीज से कि यार आपकी आईडी लगा दो आप बहुत अच्छा काम है चलेगा। तब लोग क्या करते हैं सर एक दूसरे का दिल रखने के लिए, भाई 4,500 चाहिए मैंने भी ये 4,500 रुपए ये कह के दे दिए।
साढ़े चार हजार दे दिए, जब पेमेंट आने लगा तो भी फेथ नहीं था कि दो तीन महीने आएगा, चार महीने आएगा, फिर बंद हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था सर इस बिजनेस को, तब ना ही प्रोडक्ट था, ना ही कंपनी का हेड ऑफिस था, और ना ही किसी भी प्रकार के कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स था। सिर्फ सारी चीजें हवा पे थी। कंपनी के एमडी जो थे, मैं 9 तारीख को बिजनेस में जुड़ा, कंपनी के एमडी 19 तारीख को बालाघाट आ गए। वो बालाघाट आए तो उनको जब देखा तो और विश्वास टूट गया मेरा, क्योंकि अब तक हमने जितने भी एमडी देखे थे साहब, वो ऐसे थे बढ़िया सूट बूट टाई शाई जोरदार बिल्कुल तामझाम के साथ वाले एमडी। वो एमडी को देखा मैंने तो मेरी हालत ही खराब हो गई सर, मतलब तो और भी चलने वाली कंपनी फुल्ली नेगेटिव। दिन भर में मैंने करीब करीब 60-70 लोगों को उनसे मिला चुका था, उसके बावजूद भी मैं नेगेटिव हो गया। क्यों नेगेटिव हो गया कि मतलब ये एमडी क्या काम चलाएगा यार, कंपनी इसमें गुड तो दिख ही नहीं रहे एमडी टाइप वाले। पर कहते हैं ना सर, अजय चौहान जी मतलब अपने लुक पर कम पैसा खर्चा करते हैं कंपनी में, और हम क्योंकि वो जो भी पैसा खर्चा करेंगे वो हमारा ही होगा सर, हम दे रहे हैं तभी वो पैसा खर्च कर पा रहे हैं और इतने शौक पनी कर पा रहे हैं। तो क्या हुआ, मैंने उनको देखा तो और टूट गई। फिर जब लीडरशिप मीटिंग अटेंड करके मैं लौटा, सारी चीजें जो देखी मैंने, कंपनी का हेड ऑफिस देखा हल्द्वानी के अंदर में, प्रोडक्ट भी तब तक आ गए थे, तब ये एहसास हुआ कि नहीं सर, हम लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में हैं जहां से हम अपने सारे ड्रीम और डिजायर को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए सर इस बिजनेस में पूरी फुल्ली मेहनत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ हम लोग लग गए। और आज अगर इनकम की बात करूं तो सर आज मेरी कम से कम 3 आईडी डेली कैपिंग में होती है सर इस बिजनेस से। और क्या चाहिए सर, क्या कर रहा हूं मैं आप लोगों को बता ही दो रहा हूं, 3 आईडी कैपिंग में है, और मालिक ने चाहे इंशाल्लाह तो और भी आईडी जो हमारी लगी हुई है वो भी बढ़ती चली जाएगी, और आप सभी की आईडी कैपिंग में हो, मैं तो ये दुआ करता हूं सर। तो जोरदार तालियां आप लोगों के लिए होनी चाहिए सर। थैंक यू। और कुछ पूछना हो सर पूछ सकते हैं, ठीक है सर। कुछ ये देखो जी, कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेना है, जानना चाह रहे थे जी। हमारा ग्रुप भी तैयार हो जाएगा जी। जी आप क्या करिएगा सर, पर्सनल आपको मैं पर्सनल रूप से बता दूं, आप मुझे बता दीजिए कि कितने लोग जाने वाले हैं, जब भी जाना हो आप मुझे बता दीजिएगा। एक महीने का समय ले रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 10-20 भी हो सकते जी। जी बिल्कुल, तो बता दीजिएगा पहले बताऊंगा। और वहाँ पर एक चीज और बता दूं सर हमको आपको, कि वहाँ पर आपको ना होटल लेने की आवश्यकता है। क्या होता है ना सर, हम जाते हैं तो होटल में रुकते हैं, वहाँ आपको होटल लेने की आवश्यकता नहीं, कंपनी का खुद का गेस्ट हाउस है, एक नहीं 3-3 गेस्ट हाउस है, और वो गेस्ट हाउस होटल से कम नहीं है सर, सारी फैसिलिटीज है वहाँ पर। हाँ बस खाना खाने के लिए जो एक गेस्ट हाउस है वहाँ पे जाना पड़ता है सभी लोगों को, बाकी रुकने के लिए उन्होंने सारे गेस्ट हाउस बना रखे हैं खुद के, वहाँ पर पूरी फैसिलिटीज है, आपको वहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। आप वहाँ 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, 4 दिन रुके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है, अभी कई लोग तो ऐसे हो गए हैं सर कि डायरेक्ट वहां बैठ गए ऑफिस में जाके, 1-3 दिन वहां गुजार रहे हैं, और अपने जितने भी लोग हैं उनको कॉल करके बुला रहे हैं अभी आ जाओ हेड ऑफिस विजिट करो, दिन भर चाय नाश्ता सुबह खाना पीना सारी चीजें वहां चल रही है, और उनका बिजनेस बिल्ड होता चला जा रहा है। ये सुविधा भी हमारी कंपनी ने दे रखी है सर, है ना। तो आप लोगों को इतने कह सकता हूँ सर, बहुत अच्छी कंपनी है, आप लोग अपने जितने भी लोग हैं जी, जो अभी बनाने जो निकला हुआ जी जी, 31 मार्च तक है, तब तक रहेगा जी, 31 मार्च हाँ, उसके बाद जाना चाह रहे थे हम जी। जी ठीक है ना सर, तो उसको विन करने के बाद ऐसा था। अरे क्या बात है, क्या बात है, निकलेगा कुछ ना कुछ जी। हमारे मैं आपको बता दूं सर, 28 अप्रैल को कंपनी का बहुत बड़ा सेमिनार होगा, जितने भी 31 तक अचीवर्स होंगे, रिवार्ड अचीवर्स ऑल ओवर इंडिया से, उन सभी लोगों को मतलब उन लोगों के सम्मान में एक बहुत बड़ा फंक्शन होगा 28 अप्रैल को, जो डेट फाइनल हो चुकी है पहले से, ठीक है सर। तो हो सकता है कि 28 अप्रैल को अपन फाइनली चले, या उससे पहले आप हेड ऑफिस विजिट करके आ जाए, फिर अपन 28 तारीख को चले, जितने भी रिवार्ड अचीवर्स होंगे। लास्ट टाइम तो नहीं गए थे काजदे सर आप लोग, पर इस बार आप सभी लोगों को चलना पड़ेगा, ठीक है सर। तो आप बढ़िया अपना जब भी जाने का प्रोग्राम होगा सर आप बता दीजिए। बिल्कुल सर। दूसरी चीज मैं आपके साथ आपको बता दूं, मैं बहुत ही जल्द आप सभी लोगों के पास, जितने भी लोग हैं, हम सभी लोगों के पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हो जाएंगे सर। मेरी कल ही बहुत देर बाद हुई सर से, कि जो हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के हाथ में आ जाएंगे सर। अभी भी हाथ में है कुछ डॉक्यूमेंट्स, पर उनकी सबकी हार्ड कॉपी हम लोगों के हाथ में होगी, जो मैं आप सभी लोगों को बांट दूंगा। कंपनी के लीगल प्रोफाइल्स हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, हमारे पास होना चाहिए जी, जी। और दूसरी चीज क्या है कि मैनेजमेंट में ये एक चीज और बातचीत रखेंगे आप जी, कि हमको एक लीगल एडवाइजर चाहिए जी, लगभग हाई कोर्ट जबलपुर से जी, ताकि हमें कोई फील्ड में प्रॉब्लम हो तो वो वकील तत्काल आके उस स्पॉट में आके
क्योंकि सर ये फील्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। देखिए सर इस चीज ये बात मैंने कही थी सर से, ये पहले भी हो चुकी बात, मैंने सर से कह रखा था। तो सर का कहना ये है सर, जिस दिन भी आपके साथ कहीं कर भी किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सिर्फ आपको हमें कॉल करना है। तो हम सीधा क्या करेंगे, या तो उस एरिया के थानेदार को या उस एरिया के एसपी को डायरेक्ट। ठीक है, कहां से फोन जाएगा सर? जो कंपनी ने अपने 11-11 लीगल एडवाइजर को जो उनको रखा पड़ा है, जो सुप्रीम कोर्ट के लीगल एडवाइजर्स हैं सारे के सारे, है ना, वकील है, उन लोगों को डायरेक्ट फोन जाएगा किनको सर? या तो एसपी को जाएगा या जो उस एरिया का थानेदार होगा। नॉर्मली या तो हम लोग थाने में होंगे साहब या फिर कोर्ट में होंगे, तो एसपी साहब को जाएगा फोन डायरेक्ट या फिर उनको। वो सारी समस्या अपनी विद इन 1 आवर्स के अंदर क्लियर हो जाएगी सर, ये सपोर्ट है। और बोले अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो तुरंत हमारे लोग, अब वो किस तरीके से आते हैं यहाँ पर पता नहीं, बोले हमारे तुरंत लोग पहुंचेंगे आपके पास और आपकी सारी समस्या को हल कर देंगे। क्योंकि ऐसी समस्या एक जगह आ गई थी, क्योंकि आप सभी, मैं बताया था उस दिन शायद आप लोगों को, रायपुर में एक समस्या आई थी जहां पर इस तरह की परिस्थिति बन गई थी। क्योंकि वहां पर जैसी गोले बने स्टेज पे, तो बोर्ड पे गोले दिखे वैसी पुलिस वाले धर लेते हैं, राइट? वहां गोले नहीं चलते साहब, बाइनरी का नाम लिए मतलब आप अंदर, सच्चाई है। तो वहां पे समस्या आ गई थी, क्योंकि काम तो सर वहां पे भी चल रहा है, वहां पे भी समस्या आई। जब समस्या आई तो कंपनी ने अपने हैंड से वो समस्या का समाधान कर दी और उस बंदे को जिस पुलिस वालों ने बकायदा उठा के लेकर गए थे, जिनके कहने पे बकायदा छोड़ दिए सर। तो ये समस्या के लिए सर जो बैकअप है कंपनी का बहुत तगड़ा है सर। नहीं नहीं वो तो ठीक है सर जी, लेकिन कंपनी ने अगर कोई चीज स्टार्ट किया है तो क्या है हमारे करीब में क्या है, देखिए नॉर्मली जैसे हाईकोर्ट वगैरह जबलपुर